वेलकम बच्चों, आज का वीडियो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे गाय का पिक्चर दिया हुआ है। आज हम लोग गाय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि गाय में सभी भगवान होता है और गाय की और भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। राजा दिलीप की कहानी शायद आप लोगों को पता हो। वे जो है पुत्र प्राप्ति के लिए गाय की सेवा किए थे। कहते हैं गाय की सेवा करने से उस पर भगवान की कृपा होती है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से मेरे चैनल में कोई व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ये गाय पर जो चैप्टर दिया हुआ है क्लास वन में, इसका वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है गाय की कृपा मुझ पर भी हो जाए, मेरे भी चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ जाए, व्यूज़ बढ़ जाए। मैं हूँ दुलाचंद दास और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो आज हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का नाम है गाय। गाय एक पशु है। इसके चार पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, सिर पर दो सिंह होते हैं। उजली, काली और चितकबरी गाय भली होती है। घर घर में पाली जाती है, घास भूसा खाती है, चोकर और खल्ली पाकर खुश हो जाती है। बच्चों, जब हम लोगों को सबसे पहले लेख लिखने के लिए दिया जाता है तो अक्सर ही गाय पर लेख दिया जाता है, और हम लोग जिस हिसाब से लिखते हैं यहाँ भी वैसा दिया हुआ है कि गाय एक पशु है, इसके चार पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, दो सींग होते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग सभी ने गाय देखे हैं और किसी किसी के घर तो गाय होगा भी। तो हम लोग देखते हैं गाय का रंग सफ़ेद होता है, काली होती है, चितकबरी इस तरह की गाय की कलर होती है। घर घर में पाली जाती है। आज के समय में मैं सभी के घर नहीं देखता कि गाय होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में होती है। हो सकता है कि आप में से किसी के घर में गाय हो। गाय घास भूसा खाती है, चोकर खाती है और मैदान में घूम घूम कर हरी घास चरती है, पागुर करती है, सुबह शाम हमें दूध देती है। और गाय को घास खाना बहुत पसंद है, वह घूम घूम कर चरना उसको पसंद है। और खाने के बाद वह एक बार जल्दी जल्दी खा लेती है, उसके बाद पागुर करती है। जो खाती है घास उसी खाने को फिर थोड़ा देर बाद वह जब आराम से बैठी रहती है या रेस्ट के समय में, खाली समय में, वह अपने पेट से थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर चबाती है और फिर निकल जाती है। उसको बोलते हैं पागुर करना। सुबह शाम हमें दूध देती है। गाय दो टाइम हम लोगों को दूध देती है। श्री कृष्ण वृंदावन में गैया चराते थे। गाय से श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं। आप लोग श्री कृष्ण का पिक्चर अगर देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि श्री कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े रहते हैं और उनके पीछे में गाय रहती है। इनकी रक्षा करते थे इसलिए वे गोपाल कहलाते थे। तो गाय को जो पालने वाला होता है उसे गोपाल कहते हैं। तो श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। वे गाय को पालते थे इसीलिए वे गोपाल कहलाते थे। उन्होंने सबको बताया कि गाय को पालो, दूध पियो, मक्खन खाओ, दही खाओ, शरीर मन और मस्तिष्क से बलवान हो जाओ। श्री कृष्ण ये कहा करते थे कि सभी को गाय पालना चाहिए और दूध पीना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए और शरीर से मन मस्तिष्क से हमें बलवान रहना चाहिए। गाय का दूध अमृत होता है। दूध से दही, मक्खन, घी, छेना, पनीर और खोआ, मावा बनते हैं। दही, छेना और घी तो दवाइयाँ हैं। इनमें हमें शक्ति और बुद्धि मिलती है। दूध, छेना और खोआ से बनी मिठाइयाँ मधुर होती हैं। गाय का दूध हम लोग जानते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो इसीलिए उसे अमृत कहा गया है, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है। उससे दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें बनती हैं और कई सारी मिठाइयाँ बनती हैं। और दही, छेना, घी को हम लोग दवाई के रूप में भी उपयोग करते हैं और इसको खाने से हम लोगों की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है और दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट लगती है। गाय का बच्चा बैल बनकर खेत जोतता है। खेत के सभी काम बैल की मदद से पूरे होते हैं। गाय का गोबर बढ़िया खाद है, इससे खेत की उपज बढ़ती है। अब तो गाय के गोबर से गैस पैदा कर भोजन बनाया जा रहा है, बत्ती जलाई जा रही है, गोबर से लिप पुत कर मिट्टी का घर शुद्ध हो जाता है। सचमुच गोबर गणेश के समान मंगलदायक है। और गाय के बारे में बतला रहा है कि उसका बच्चा बड़ा होकर बैल बनता है और खेत जोतने का काम आता है और बहुत सारा काम बैल से करवाया जाता है।
और गाय गोबर देती है, वो सबसे बढ़िया खाद है खेत के लिए। इससे खेत में उपज बढ़ जाती है, जो कुछ भी हम लगाते हैं खेत में वो कई गुना बढ़ जाती है। और गाय के गोबर से अब गैस बनाया जाता है, गोबर गैस उसको बोलते हैं, और उससे चूल्हा जलाया जाता है, बत्ती जलाया जाता है, और गोबर से मिट्टी के घर जो होते हैं उसको लिपा भी जाता है, और गोबर से लिपने के बाद जो है वो शुद्ध हो जाता है। गोबर गणेश के समान मंगलमय है। गोबर जो है वो बहुत तरह से काम आता है, हम लोगों को जलावन के काम आता है, घर सफाई करने के काम आता है। इसके अलावा हम लोग गोबर से पूजा भी करते हैं। जितने भी भगवान की पूजा है वो गोबर के बिना पूरी नहीं होती। पूजा में गोबर लगता ही लगता है। गाय मरकर भी सेवा करती है, चमड़े से जूते बनते हैं, पैरों की रक्षा के लिए जूता जरूरी है। गाय हर तरह से हम लोगों के लिए उपयोगी है। वह जब तक जीवित रहती है हम लोगों की किसी न किसी तरह से सेवा करती रहती है। जब मर जाती है तब भी सेवा करती है। उसके चमड़े से जूते बनाए जाते हैं, और जूते हमारे पैरों के लिए कितने ज़रूरी हैं आप लोग तो ज़रूर जानते हैं। और हम लोग कभी भी कहीं दूसरे के यहाँ जाते हैं या और बाज़ार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग जूता ज़रूर पहनते हैं। इसलिए गाय माँ के समान है, इसकी रक्षा उचित है। श्री कृष्ण के समान इसकी सेवा जरूरी है। इसलिए गाय माँ के समान है, हम लोग गाय की पूजा करते हैं, हम लोग दिवाली में गाय की पूजा करते हैं, इसीलिए इसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण इनकी बहुत सेवा करते थे, उन्हीं की तरह हम लोगों को भी गाय की सेवा करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो गाय की सेवा करता है उस पर भगवान की बहुत कृपा होती है, उसको जीवन में किसी भी तरह की बड़ी मुसीबतें नहीं आती, और मुसीबतें आती भी हैं तो टल जाती है। यहाँ पे यह चैप्टर 5 समाप्त हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शब्दार्थ, याद करें इस चैप्टर में जो शब्दार्थ आए हुए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। 2 नंबर में बाइक बनाने के लिए दिया हुआ है, और 1 गाय पर लेख लिखने के लिए दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था, बच्चों को सबसे पहले गाय पर लेख लिखने के लिए दिया जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। चैप्टर 5 का यह प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। गाय क्या खाती है? गाय घास, भूसा, चोकर और खल्ली खाती है। गाय क्या देती है? गाय सुबह शाम हमें दूध देती है। गाय का दूध क्या होता है? गाय का दूध अमृत होता है। दूध से हमें क्या मिलता है? दूध से हमें शक्ति और बुद्धि मिलता है। श्री कृष्ण ने क्या बताया था? श्री कृष्ण ने बताया था कि गाय पालो, दूध दही मक्खन खाओ और शरीर मन मस्तिष्क से बलवान हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, वाइक बनाओ, वाइक बनाने के लिए दिया गया था। गाय घास खाती है, गोपाल गाय चराता है, सेवा, गाय की सेवा जरूरी है, शक्ति, दूध से शक्ति मिलती है, रक्षा, गाय की रक्षा उचित है, और गाय पर यहाँ पे लेख लिखने के लिए दिया गया था। गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 सींग और 1 लंबी पूंछ होती है। गाय घास, भूसा, चोकर और खल्ली खाती है। गाय सुबह शाम हमें दूध देती है। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है, इसलिए हम लोग इसे गौ माता भी कहते हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से ज़रा भी पढ़ाई में मदद मिलती है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करें, और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे, तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।